कदरदान मेहरबान सावधान दिल थाम के बैठिए, आ रहे हैं हमारे जज साहब। उत्ती दया से तो कहा था जा जावती बैठे बैठे होगी दोपहरी, और ज्यादा अंग्रेजी न फूक, नहीं गांव वाले यहाँ है साथ में तुर्रो वाली बैठी तो चड्डी उतार ले। कहा उत्ती दया से एंटा चिल्लम पोंकी हो रही है, अदालत है तुम्हें भैंस के सार न हुआ जो उत्ती दया से तुम हल्ला मचाए पड़े हो। जज साहब बैठ है, तुम आगे के कार्रवाई कर, नहीं तो पूरा दिन निकल जात हवे। तो जज साहब अब बैठ गए हुए, अब अपन अपन राम कहानी सुनाओ जहे खातिर आए हो। कह रे जज से आई कि मैं हूँ आर्डर को दे। जज साहब अब तुम हमारो ख्याल करिया, ये पान बत कुच्ची में रुके रही है वहीं ठैया। कार्रवाई शुरू की जाए। माई बाप यह आज तुर्रा बाली अभी बोली रही सी के बगल में बैठी अतर्रा बाली, यह पैमन सौ से बहुत सतानी ये के खातिया हम आए हैं। कहे बौरा गए है का बजावत है। हाँ मो माई बाप, या तर्रा वाली अपाय मड़ई से बहुत है परेशान ही, वो आवत है दारू पी के इमारत है गरियावत है, कोनो बात नहीं सुनाता है ना खर्चा पानी देता है, यही खातिर वो आज अदालत में हाजिर भे अपाय न्याय के भीख मांगे का। कहे है कोनो बिस्कुट नमकीन खाए आवत है का, न्याय खातिर तो आवत है। अतर्रा वाली आपन दुख रोना एंठा सबके सामने बता डार। जज साहब मैं सच न कही हूँ, पर सच के सिवा कुछ न सुनी हूँ, मैं घाय आई हूँ या मड़ई से, बहुत परेशान करे है मुही, दिन रात मारे थे लई बांस मोए बजावत है, घाव कर दिया थे मोए, देख लिया मोए गालन में लाल लाल कैसा निशान पर गए हूँ मैं। अरे गोहर मैं तो सोचत रहा हूँ कि फिर लवली का कमाल है, लेके तो परियां है। ए लड़के ते चुप पर रहे, अतर्रा वाली ते ब्रो ना सब कुछ सच सच बता डार जज साहब से, आज तुम्हें न्याय दिया है न्याय। हाँ जज साहब और सुन लिया, मैं मायके से बढ़िया दुधारू भैंस आई रही है, 5-5 लीटर देत रही है या वह टाइम पर, यह भपकी है वह का बेच डारी सी कि मैं लड़का बच्चन का वही मैं पेट पलती हूँ, अपना तो जात हवे कि श्यामू के ढाबा से खाए आवत है बढ़िया, अमो लड़का बच्चा मैं भूखन मरत रही थवे। कहाँ है तर्रा वाली का मड़ई, हाजिर करो यहाँ जल्दी से जल्दी। लागत है जज के आँख चौपटे ना है, सामने बैठे वो सिटी लाइन ठाए कुर्सी में, लेकिन यही का कहा थे हाजिर करो। अरे मोरे टिग्घा करम बोल दे थोड़ी से, जज साहब कुछ कहा थी। कहा जज साहब सुबह से बैठे बैठे मो गाहे घर सुखात हो से कुछ खा लिंदा हुई के बाद बोले या। अबे तो यहाँ कहा खवास लगाई है। अरे वाह है जहिमा दाने दाने मा केसर का दम बिमल पान मसाला खा तो तुम हुआ मत दिखे रहे है, एक दिन वो रामपथरामी की दुकान में ले तो। हाँ जज साहब देख लिया अब तुम, पूरे अंगने भरे में पिचिर पिचिर थूका थे खा खा की, अब बिमल सरग नहीं पारा। कहे तो बाप के पैसन का खा थो कत कमा के दे दिया का। देख लिया जज साहब अब तुम्हारो इज्जत नहीं कराता है, अब अगर मैं 1% का झूठ बतानी हूँ तो तुर्रा वाली बैठी वैसे तुम पूरी तरह से हूँ की भरा लिया। ओरे जत हो सिरम पथरा मीठा से बिमल पान मसाला ले आ। अतर्रा वाली जल्दी जल्दी बता दार जो बात ही नहीं तो जज साहब ये खा लेना बिमल पान मसाला तो गलगलात गलगलात बोलिए कुछ समझो मैं नहीं। और जज साहब तुम्हें बताऊं, एक दिन आई रही मोबेल गांव वाली बहनी तो वही लवा के गरा है संचिता रेस्टोरेंट, वह खाइन पीन गुलछर्रे उड़ाइन, अम्मा या मोह लड़का बच्चा नून रोटी खा के रात भर परे रहन, पर या मनसवा एको दना हमा ख्याल करिस। आई मुझ गोहर जज साहब या मनसवा मो जिंदगी बर्बाद कर दिस, अब तुम मो न्याय करा मुहे सिर्फ तुम्हारे इनसे आस रहा वे। क्यों ते मैं उन्हें ढारे लागी, तो गंगा जमुना बहावे की आदत हुई गई है, कहे ते हड़बड़ा थी यही, सब जज साहब सुनिए सब न्याय करी है परेशान ना होता है। हाँ जीजी अपन आंसू पोछती हम थोड़ी से फिर तुम अपन सारी का छोर बमका दिया मुहे। ओरे लंपू तुमका कुछ बोलने का पचमक यहाँ भागवत सुने आए है। देख कायदे में बोले तो फायदे में रही है, नहीं तो उठा के तू ही जज साहब के सामने दई मरी हो यही ठा। जज साहब यही तुम बिल्कुल दूध के धोई न मान्या, एका स्नो पाउडर क्रीम फेस वाश सरग ढिमका सब महिया लाओ थो, जो कहा थी भैंस ब्याचे खातिर तो सुना मोह की असली कहानी बताऊं, भैंस मही खरीद के लाए रहे हो, आइए वही का जो दूध घी हुआत रहा अपने मायके भिजवावत रही है तो महंगा भुकुरन छूट तो बेच दिनो, बताओ अब तुम ही का गलत कर रहे हो। मैं तुर्रा वाली तो गवाही दे आई है ना, आ मोठा तो उसे कुछ पूछे खे। ओरे हट वहां देख के नहीं आई मुझे सब बुलानी आ हमें। हाँ तथा भाई तुर्रा वाली कान तो जंगेला अपन पूछा जज साहब जो तुम्हें पूछे खोए तो तू इनके पड़ोसी ना ही ना तुम्हें तो सब पता हो, तैं अब असली बात बता गलती कही के हवे। जज साहब कौनो कम नहीं है ना या कमा ना वह कमा, पर मैं परत हुआ तर्रा वाली के सहेली तो मैं बोली हूँ तो वही कही थी, यही से कौनो थोई से सजा दे दिया वही के मड़ाई का, ये रफा दफा करा तुम्हारो जीव कल हो मारो यंते पिंड छूटे। जब बैठ पे जग में दिया तो फैसला। अतर्रा वाली ते परेशान ना हो, मैं तो पछिमा बोल के आई हूँ जज साहब से। अब सब जने कान खोल के फैसला सुनिया। जज साहब
मैं अतर्रा वाली का वकील होने के नाते एक चीज कहत हूँ, अतर्रा वाली बहुत ज्यादा सूधी, तो फैसला दें से पहले एक बार सोच लिया ये मनसावा का ज्यादा से ज्यादा कड़ी सजा हो चाहिए। अरे वकीलवा, ज्यादा बकैती न कर, जज साहब का अपन फैसला सुनाओ दे। भाइयों बहनों, ये अदालत सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए इस मुद्दे पर पहुंची है कि अतर्रा वाली के साथ न्याय होना चाहिए और उसके मड़ई को ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। तो सजा के रूप में अतर्रा वाली के मड़ई को 10 दिन तक घर के बिना बाहर जाए हुए घर का चूल्हा चौका रोटी बर्तन सब कुछ करना पड़ेगा, और साथ में उसके लड़के की टट्टी से लेके चड्डी तक सब कुछ धोना पड़ेगा। जज साहब तो बढ़िया फैसला दे, 10 दिन तक तो मोरम मजे मजा हवे। और इसी के साथ आज का ये मुकदमा निस्तारित किया जाता है और सभी लोगों को कहा जाता है कि यहाँ से जल्दी 9-2-11 हो जाएं। ऐसी कसत 9-2-11 हो जाएं जज साहब, सबका फैसला करे, अब मारो एक था फैसला कर दिया। ये जो वो वीडियो देखने वाले हैं ना, एक को ना तो अब लाइक करे ला गया, ना तो एक को कमेंट करे ला गया, अब तुम मारो फैसला करा। भाइयों बहनों, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि आप इसके वीडियो को लाइक नहीं करते। तुर्रा बाली बहुत ही अच्छी औरत है, आप उसके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों सहेलियों रिश्तेदारों के पास शेयर कर दीजिए। जय श्री राम।